ठीक है दोस्तों, हमारे पास है एसर ऑन एट। तो इसमें जो लॉक लगा है पैटर्न एसर ऑन एट T4 82L, ये मॉडल है। तो आप देखेंगे इसे हार्ड रिसेट, ये ओपन नहीं हो रहा। हार्ड से ओपन होने के बाद भी वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट करते तो भी ये लॉक निकल नहीं रहा, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये तीनों तीन फोल्डर आपको डाउनलोड कर देने हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो के नीचे यहाँ लिंक भेजा है, वहाँ उस लिंक से आप इसे डाउनलोड करते हैं, बहुत इजीली मिल जाएगा और वो भी एकदम फ्री, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्राइवर को इंस्टॉल कर देंगे। टैबलेट की वजह से मैंने वीडियो बड़ा रखा है। ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। ड्राइवर को हम साइट पर रख देते हैं। उसके बाद एसपी टूल ओपन करेंगे। एसपी टूल ओपन नहीं हो रहा, हम दूसरा टूल यूज़ करते हैं, रेयर में से डायरेक्ट ओपन करते हैं, ठीक है। ठीक है, एसपी टूल ओपन हो चुका है, हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ से हमें डेस्कटॉप पर चले जाना है। एसपी टूल वापस बंद हो चुका है, हम वापस इसे फिर से ओपन करेंगे। दूसरा वाला वर्जन चेक करते हैं, ठीक है। ये बंद हो जाए, मुझे लगता है इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं एसपी टूल को बाहर निकाल दिया है, इसे डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक मारेंगे और रन एडमिनिस्ट्रेटर कर पर करेंगे। ठीक है ओके, यहाँ से हम डेस्कटॉप पर चले जाएंगे और ये वाला फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, मैनुअल फॉर्मेट प्लस, और ये कोड को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम कोड एक फाइल ओपन करेंगे। ये कोड का फाइल हमें यहाँ टूल में पेस्ट कर देना। देखिए ये लॉक रिसेट का है और ये FRP जीमेल का कोड है, ठीक है। हम पहले लॉक रिसेट को ओके कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट कीजिए और फोन को एक बार शायद ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ऑफ होने के बाद आपको दोनों वॉल्यूम की आपको दबानी है, ठीक है। प्लस एंड माइनस, दोनों वॉल्यूम की प्लस एंड माइनस, ठीक है। उसके बाद आपको USB कनेक्ट कर देना है, ठीक है। USB कनेक्ट इस तरफ आएगा तो आपको दोनों वॉल्यूम की जो है वो प्लस और माइनस जो है वो प्रेस करनी है, ठीक है। और यहाँ से हम USB करेंगे कनेक्ट, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मेट हो चुका है। फिर से अब यहाँ हम FRP का कोड डालेंगे, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, इसे भी कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, USB निकाल देंगे और फिर से दोनों वॉल्यूम दबा के फिर से हम USB एंटर करेंगे। ठीक है, दोनों
सक्सेसफुली हो चुका है, तो हम इसे डिसकनेक्ट करेंगे, इसे हम क्लोज कर देंगे और यहाँ हम इसे ऑन करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए ऑन होने में। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कोड हमने पेस्ट किया है वो कोड सही से आप पेस्ट कीजिए, बीच में कोई भी स्पेस ना रह जाए या कोई डिजिट छूट ना जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपका फ़ोन जो है वो डेड हो सकता है या ब्रिक हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फुल फ्लैश करना होगा। अगर मान लो कोई गलती हो जाती है आपसे और फ़ोन लोगों पर अटक जाता है या डेड हो जाता है या ऑफ हो जाता है, तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, जो फुल फ्लैश फाइल है उसका, तो आप वहीं से उसे डाउनलोड करें और फ्लैश उसे कर दें। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई फ़ोन ऐसा है, ये मॉडल Acer ONE 8, कि जो लोगों पर ही अटका हुआ है, Acer लिखा हुआ, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ यहीं लोगों पर, तो भी आप उसे फ्लैश करके आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फाइल टेस्टेड है और रीडेड किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रिक्स के। तो दोस्तों जो ड्राइवर टूल्स और फाइल है वो वीडियो का नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहीं से डाउनलोड कर दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। देखिए SP टूल में जो इशू आया था वो वायरस का इशू था, ये काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है। ठीक है, वर्जन है 2032, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, तो हम इसे डिलीट कर देंगे इसे। और आप ये भी वीडियो के नीचे मैं लिंक दूंगा इसी का, आप इसे डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, तो SP टूल का कोई इशू नहीं रहता है, अगर ये वर्जन ना काम करे, आपको कोई भी वर्जन मिल जाए जो 2.0 के ऊपर ही हो, वो भी काम कर जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही वर्जन काम करेगा, ये भी काम कर सकता है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, इसके अंदर नीचे का होगा तो भी वो काम करेगा, इसके ऊपर रहेगा तो भी काम करेगा, इसलिए इसका कोई इशू नहीं है। आप कोई भी वर्जन है तो आप उसे डाउनलोड मत करिए, वहीं यूज़ कीजिए। ठीक है, पर ड्राइवर ये ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये ऑफिशियली ड्राइवर है, ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और एक चीज़, ये जो फाइल है Acer ONE 8 का, ये इसी में यूज़ होगा, किसी और मोबाइल में इसे ट्राई मत कीजिए, वरना फ़ोन आपका जो है वो डेड हो सकता है। अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें ये एरर आ रही है। ठीक है, अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको ज़रूर उत्तर जवाब दूंगा, अगर ना हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, बिना किसी चार्ज के, कोई फाइल का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। थोड़ा वेट कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, देखो हो चुका है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। स्किप करेंगे, सेट ऑफलाइन एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट, स्किप, स्किप एनीवे, यहाँ थोड़ा वेट कीजिए। सिम अगर अंदर इंसर्ट है तो सिम निकाल दीजिए आप। ठीक है, या वाईफाई कनेक्ट है तो वो भी ऑफ कर दीजिए, तो आपका फ़ोन फटाफट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लॉक सब निकल चुका है और आपका फ़ोन फ्रेश हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, चलिए थैंक यू।